नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी सीएससी से ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक सख्त निर्देश जो है जारी किए गए हैं सीएससी की तरफ से। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि सीएससी प्रत्येक ई श्रम कार्ड बनाने के ऊपर 20 रुपए कमीशन देता है, लेकिन दोस्तों ऐसे में सीएससी ने कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं और अगर आप इन निर्देशों को नहीं मानते हैं तो आपकी सीएससी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है और उसके साथ साथ आपके ऊपर लीगल कार्यवाही भी की जा सकती है और आपका जो कमीशन है वो भी रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये नई शर्तें क्या हैं वो हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं जो कि सीएससी की तरफ से जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको भी इन सभी निर्देशों को मानना होगा और उन्हीं के हिसाब से आपको ई श्रम कार्ड बनाना होगा, तभी आपको कमीशन दिया जाएगा। को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप। तो फ्रेंड्स, पहला निर्देश तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जो कि सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे देखिए ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जिन्होंने ये यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल अपडेट आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया है कि विशेष सूचना ई श्रम से संबंधित, नीचे लिखा है सभी वीएलई जो ई श्रम पे कार्य कर रहे हैं कृपया नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। पहला एक कि एक मोबाइल नंबर से एक ही ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करें, एक मोबाइल नंबर से एक ही व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करते समय इन बात का ध्यान रखें कि संबंधित नागरिक के आधार में मोबाइल नंबर सीडेट या अपडेट हो। उसके बाद तीसरी बात इन्होंने बताई है कि ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है। और फिर नीचे इन्होंने बताया कि अगर कोई भी वीएलई किसी प्रकार का भुगतान लेते हुए पाए गए या बताते गए मानकों के विपरीत कार्य करते पाए गए तो संबंधित की सीएससी आईडी निरस्त कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो निर्देश हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा दिए गए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं जो यहां पे श्री दिनेश त्यागी जी द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल ट्वीट है दिनेश त्यागी जी का, और देखिए यहां पे बताया गया है कि ई श्रम रजिस्ट्रेशन बाय सीएससी फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, यानी कि फ्रेंड्स जो निर्देश जारी किए गए हैं वीएलई को इन निर्देशों को मानना है। और देखिए निर्देशों में यहां पे बताया गया है कि अटेंशन वीएलई, और नीचे लिखा है डू नॉट यूज सम मोबाइल नंबर फॉर मल्टीपल ई श्रम रजिस्ट्रेशन, यानी कि फ्रेंड्स आप एक ही मोबाइल नंबर को जो है कई ई श्रम कार्ड बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, नीचे बताया गया है कि वन मोबाइल नंबर कैन बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम 3 ई श्रम रजिस्ट्रेशन, यानी कि फ्रेंड्स एक मोबाइल नंबर को आप ज्यादा से ज्यादा 3 ई श्रम कार्ड बनाने के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा ई श्रम कार्ड बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड नीचे लिखा है कि सीएससी आईडी बीएलए डूइंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विथ सम नंबर विल बी ब्लॉकेड एंड दे विल नॉट रिसीव कमीशन फॉर सच रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं जो 3 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं एक मोबाइल नंबर के ऊपर, तो उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर या सीएससी आईडी, फ्रेंड्स यहाँ पे उनकी जो सीएससी आईडी है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी वीएलई है उनको सभी को जो है इन निर्देशों का पालन करना है अगर वो ई श्रम रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट आया है, और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको सीएससी के द्वारा जो ई श्रम कार्ड बनाने के ऊपर कमीशन दिया जाता है वो कमीशन आपको मिले तो आपको इन्हीं मानकों के हिसाब से काम करना है और एक मोबाइल नंबर के ऊपर आपको 3 से ज्यादा ई श्रम रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, आप कोशिश ये करें कि प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे अलग से मोबाइल नंबर यूज करें, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो आप एक से ज्यादा यहाँ पे 2 बार भी उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। और फ्रेंड, उसी के हिसाब जितने आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी नियमों का पालन करिए जो सीएससी द्वारा दिए गए हैं, और फ्रेंड ई श्रम कार्ड बनाने के ऊपर आप ई श्रम कार्ड बनाइए और ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड, मिलते हैं एक और वीडियो।